तो कुछ दिनों पहले मुझे एक भाई ने ट्वीट करा, भाई फिंगरप्रिंट सेंसर पर वीडियो क्यों नहीं बनाते हो। तो मुझे लगा इस ट्वीट से पहले कि हर किसी को फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में पता होगा, बट इस ट्वीट के बाद मेरे को लगा कि क्यों ना आप लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो दी जाए कि फिंगरप्रिंट सेंसर वर्क कैसे करते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको पता होंगी, कुछ चीज़ें हम बता देंगे कि कितने टाइप के होते हैं, ये वर्क कैसे करते हैं और किस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाए। बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करनी है और कमेंट्स में बताना है अगर आपको इसी तरीके के और टॉपिक्स देखने हैं। तो सबसे पहले मैं जानना होगा फिंगरप्रिंट सेंसर आखिर कितने टाइप के होते हैं। तो तीन प्रकार के फिंगरप्रिंट सेंसर होते हैं। सबसे पहले कैप्चर फिंगरप्रिंट सेंसर, जिसे हम फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर के नाम से भी जानते हैं, और इसके लिए हमें फोन की बैक की तरफ अपनी उंगली ले जानी पड़ती है, साइड में ले जानी पड़ती है। बाकी दूसरे आते हैं ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, जिसे हम इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के नाम से जानते हैं, और इसके लिए हमें हमारी डिस्प्ले पर हाथ रखना पड़ता है। बाकी थर्ड आते हैं प्रीमियम कैटेगरी वाले फिंगरप्रिंट सेंसर, जो है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, और अभी तक ये भाई हमने प्रीमियम स्मार्टफोन के अंदर ही देखे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर या कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट सेंसर। अब आपने देखा होगा पहले होम बटन में आते थे, फिर ये पीछे चले गए, अब इन्होंने पोजीशन चेंज करके भाई खिसक के साइड में आ चुके हैं, बस ये इन डिस्प्ले नहीं आ पा रहे हैं। अब ये वही सेम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं जिस पर हमारे फोन की टच काम करती है। अभी जो फिंगरप्रिंट सेंसर वाला एरिया ना, इसके ऊपर यूज करी जाती है मेटल की लेयर, बिकॉज मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बाकी इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ चार्ज कैपेसिटर्स हैं, और जो आपने बड़े बड़े बैक में देखे होंगे ना फिंगरप्रिंट सेंसर, उसमें थाउजेंड्स ऑफ चार्ज कैपेसिटर्स यूज किए जाते हैं। और जैसे फिंगर और इसका मिलन होता है, तो यहाँ पर एक चीज होती है, उसे हम थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं। हमारी फिंगर्स पे जो छोटी छोटी लाइन है ना, इन्हें रिज बोलते हैं, और अंदर की तरफ जो पार्ट होता है उसे वैली बोलते हैं। और जब भी आप अपने थम का इंप्रेशन लेते हो इंक पैड से टच करके अपने पेपर पर टच कराते हैं, तो सिर्फ रिज का इंप्रेशन आता है, बिकॉज वैली टच नहीं कर पाती पेपर को। तो सेम चीज यहां पर है, जब भी हम अपनी फिंगर को फिंगरप्रिंट सेंसर से टच कराते हैं, तो सिर्फ रिज टच होती है, और जहां जहां रिज टच होती है उस पार्ट के जितने भी कैपेसिटर्स हैं चार्ज वाले, वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, एंड वैली वाले चार्ज रहते हैं। तो इसकी मदद से एक इमेज क्रिएट होती है। अब ये जो इमेज है एक एनालॉग डेटा होता है, तो एनालॉग डेटा को आईसी की मदद से डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करके सेव कर लिया जाता है। तो इसी तरीके से फिजिकली कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट सेंसर काम करते हैं। अब स्टार्टिंग में जब भी टेक्नोलॉजी आई थी, तो भाई काफी ज्यादा कॉस्टली थी, बिकॉज कैपेसिटर्स काफी ज्यादा यूज हो रहे हैं। तो कंपनियों ने इसका भी उपाय निकाला इसे अंडर बजट रखने के लिए, लाइक ये बड़े एरिया के अंदर एक सिंगल स्ट्रैप यूज करते थे कैपेसिटर्स की, जिसकी वजह से कैपेसिटर्स कम लगते थे, साथ ही इसकी कॉस्ट भी मेंटेन हो पाई। और आपने देखा होगा सैमसंग का नोट 4 आया था, उसे अनलॉक करने के लिए हमें फिंगरप्रिंट सेंसर पर स्वाइप करनी पड़ती थी फिंगर को, और इसी तरीके से काफी सारे और भी गैजेट्स थे, लैपटॉप वगैरह। तो प्राइस कंट्रोल करने की वजह से पहले सिंगल लेयर मिलती थी, लेकिन विद टाइम टेक्नोलॉजी चीप होती है, तो अभी क्या है काफी सारे कैपेसिटर मिलते हैं, और अब हम फिंगर रख के भी इसे अनलॉक कर सकते हैं मस्त। और फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर के प्रोज की बात कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा भाई इसके पास। सबसे पहले ये इंप्लीमेंट करना काफी ज्यादा इजी है, काफी चीप पड़ता है इंप्लीमेंट करना, साथ ही यहाँ पर जो इसकी स्पीड होती है भाई बहुत ही ज्यादा फास्ट है। देखो ये बिजली की रफ्तार से खुल जाता है, और हमेशा आपने देखा होगा कि इन डिस्प्ले के कंपैरिजन में फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर को फास्ट बोला जाता है। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ पर बिजली का इस्तेमाल किया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड तो आपको पता है सबसे ज्यादा तेज है। साथ ही यहाँ पर जैसे कि सेम टेक्नोलॉजी यूज करता है जो टच स्क्रीन यूज करती है, तो इसके अंदर कंपनी एडिशनल फीचर भी एड कर देती है, जैसे कि जेस्चर कंट्रोल। यहाँ पर आप देख रहे हो पूरा मैं फिंगरप्रिंट सेंसर से इसके नोटिफिकेशन पैनल को एसेस कर पा रहा हूँ। और कुछ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर तो डिफरेंट फीचर्स भी ऐड कर देते हैं इसके साथ, अगर आप होल्ड करके रखोगे ना फिंगरप्रिंट सेंसर पे, तो आप डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स यूज कर सकते हो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी, ये बहुत ज्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि इसे अनलॉक करने के लिए ह्यूमन स्किन का टच ही चाहिए। आपने जैसे फिल्मों में देखा होगा ना भाई टेप पे थंब इंप्रेशन को लेके वो अनलॉक कर देते हैं, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इसको प्रॉपर स्किन का टच चाहिए, बिकॉज हमारी जो स्किन है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और यही एक इसकी डिसएडवांटेज बन जाता है, क्योंकि अगर आपकी फिंगर ज्यादा ड्राई है या ज्यादा वेट है तो अनलॉक नहीं होगा, साथ ही अगर आप धूल मिट्टी का ज्यादा काम करते हो तो उस टाइम पर भी अनलॉक नहीं होता। मेरे साथ मोस्टली होता है विंटर्स में ना, मेरी स्किन काफी ड्राई हो जाती है और मैं अपने फोन को अनलॉक नहीं कर पाता, इसके लिए मेरे को पासवर्ड यूज करना पड़ता है। अब इसकी ये डिसएडवांटेज हो रहा है कि इसे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की तरह यूज नहीं किया जा सकता, बिकॉज जो डिस्प्ले है इसके ऊपर ग्लास लेयर होती है, और इसे चाहिए प्रॉपर मेटल लेयर। तो इसकी वजह से इंट्रोड्यूस करा भाई ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर स्मार्टफोन के लिए। अब ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर ना इन डिस्प्ले की तरह यूज नहीं होता, ये फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर की तरह भी यूज किया जाता है। अब इस चीज को सुनकर आप शॉक हो जाओगे कि जो सबसे पहला फोन आया था फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, वो मोटोरोला का एप्टिक्स था, 2011 के अंदर लॉन्च हुआ था, एंड उस फोन में बैक साइड में फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर की तरह ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर का यूज करा था। अब जिस तरीके से कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट सेंसर में बिजली की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इसी तरीके से इसके अंदर भाई लाइट की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो इसके अंदर एक लाइट सोर्स जरूर मिलेगा। लाइट सोर्स का काम क्या होता है ना, जैसे आपने देखा होगा जब हम फिंगरप्रिंट सेंसर से रिकॉग्नाइज करते हैं तो एक लाइट एमिट होती है काफी ज्यादा तेजी से,
से जो कि हमारे फिंगर्स पर रोशनी डाल दी है। फिर ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर सीमोस सेंसर तक जाती है और सीमोस सेंसर इसे कैप्चर करके 2D इमेज बना लेता है। तो जब मोटरोला ने पहली बार इसको यूज करा था ना, तो इसकी इंप्लीमेंटेशन काफी हार्ड थी और ये फोन को भाई काफी ज्यादा बल्की कर दे रहा था। तो जब वर्ल्ड का पहला इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वाला फोन आया वीवो की तरफ से, तो इन्होंने जो चीजें थी अंदर से वो थोड़ी सी चेंज कर दी। यहां पर इन्होंने प्रॉपर लाइट सोर्स को नहीं यूज करा, यहां पर जो एमोलेड पैनल यूज करा था ना, इसके पिक्सल्स को इन्होंने लाइट सोर्स की तरह यूज करा। और यहां पर दूसरी वजह ये भी थी एमोलेड पैनल को यूज करने की, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और इसके अंदर लाइट इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं पर भाई एलसीडी पैनल के पीछे एक प्रॉपर बैकलाइट यूज होती है जो कि लाइट ट्रैवल नहीं होने देगी। बाकी इन्होंने इसके नीचे सीमोस सेंसर लगाया हुआ था, तो जब भी हम फिंगर को अपनी टच करते हैं इससे, तो यहां पर लाइट एमिट होती है और वो लाइट एमिट होने के बाद कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट होकर सीमोस सेंसर पर जाती है और सीमोस सेंसर वहीं से एक ब्लैक एंड व्हाइट 2D इमेज क्रिएट कर लेता है। तो जब ये पहली बार आया था तो वहां पर 2D इमेज क्रिएट करी जाती थी, जिसकी प्रॉब्लम ये थी कि अगर किसी ने एक मोल्ड बना लिया तो उससे भी वो अनलॉक हो सकता था। दूसरा, अगर हाई रेस फोटो यूज कर ली जाए तो वहां पर भी वो अनलॉक हो सकता था। तो काफी सारी डिसएडवांटेज थी। तो अभी कंपनी ने भाई इसका भी उपाय निकाल दिया और अब जो फिंगरप्रिंट सेंसर यूज होते हैं ना ऑप्टिकल वाले, ये हाइब्रिड है। अभी यूज होते हैं ऑप्टिकल कैप्सटी फिंगरप्रिंट सेंसर, जिसके लिए ह्यूमन स्किन का टच होना काफी ज्यादा जरूरी है और इसकी वजह से पहले से थोड़े और सिक्योर हो गए हैं। दूसरा, सीमोस सेंसर की जगह नीचे प्रॉपर कैमरा सेंसर यूज करा जाता है जो कि आपकी थंब की प्रॉपर इमेज कैप्चर करता है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज काफी ज्यादा है। एक तो भाई इसकी जो स्पीड है अभी भी फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर के कंपैरिजन में थोड़ी सी कमजोर देखने के लिए मिलती है। साथ ही यहाँ पर अगर आपकी फिंगर थोड़ी सी वेट है तो ये अनलॉक नहीं करेगा। और भाई जो इसकी इंप्लीमेंटेशन अभी भी काफी ज्यादा हार्ड है और ये फोन को थोड़ा बल्की कर देता है, बिकॉज नीचे प्रॉपर कैमरा यूज करा जाता है और साथ ही ये थोड़ा सा स्पेस ज्यादा कवर करता है। बट इसकी जो सबसे बड़ी एडवांटेज है ना, वो ये है कि ये सस्ता होता है। अब जो छोटी मोटी कमियां थी ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर में, उसे दूर करके लाया गया यहाँ पर अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर। और यहाँ पर सोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर को मैं प्रीमियम फिंगरप्रिंट सेंसर भी बोल सकता हूं, क्योंकि अभी तक हमें महंगे फोनों में मिला है, मिड रेंज के अंदर नहीं देखने के लिए मिला। रीजन काफी ज्यादा क्लियर है, बिकॉज ये काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। बट इसकी जो इंप्लीमेंटेशन काफी ज्यादा इजी होती है। साथ ही ये सेंसर का साइज 0.2 mm से भी कम देखने के लिए मिलता है और इसे इंप्लीमेंट कर देता है सीधा डिस्प्ले के पीछे। बाकी अगर आप इसे देखने जाते हैं तो बिल्कुल हार्श लाइट, मतलब सनलाइट में जाकर आप इसे देख सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है, तो इसके अंदर जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है अल्ट्रासाउंड वेव प्रोड्यूस करता है जो हमारी फिंगर्स की रिज और से टकराते हैं। कुछ साउंड वेव्स तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं लेकिन कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस सेंसर पर टकराते हैं, जिससे कि एक 3D इमेज क्रिएट कर लेता है। और ये कुछ इस तरीके से जैसे बैट और डॉल्फिन यूज करते हैं। अब इसके प्रोज की बात करें तो भाई एक तो ये 3D मॉडल क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये सिक्योर काफी ज्यादा है। दूसरा, अगर आपकी फिंगर्स ड्राई हैं या वेट हैं तो भी ये काफी अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेता था फिंगर्स को। बाकी इसकी एक्यूरेसी काफी कमाल की थी और अभी मेरे पास लेटेस्ट अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर की जनरेशन है, जिसका एरिया भी काफी ज्यादा बड़ा है। इसे रजिस्टर करना काफी ज्यादा सिंपल है, बस आपको थंब को प्रेस करना है। साथ ही इसकी रिकॉग्नाइजेशन और भी ज्यादा तेज हो गई है। इवन मेरे को तो अभी फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर से भी ज्यादा तेज लग रहा है भाई। अब सिर्फ ऐसे नहीं है, सिर्फ खासियत है इसके अंदर भाई, इसके कुछ कॉन्स भी हैं। लाइक एक तो कॉस्टली काफी ज्यादा, इसी वजह से अभी तक हमें मिड रेंज के अंदर ये नहीं देखने के लिए मिला। दूसरा, अगर आपने थिक स्क्रीन गार्ड यूज करा है तो यहाँ पर आपको जो रिकॉग्निशन है वो थोड़ी लेट देखने के लिए मिल सकती है। और इसी वजह से जब S10 के अंदर इसे इंप्लीमेंट करा था तो यहाँ पर जो प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड आता है ना, उसमें भाई प्रॉपर एक कटआउट देखने के लिए मिला था। इवन काफी कंपनियों ने तो कटआउट के साथ ही स्क्रीन गार्ड को मैन्युफैक्चर किया था। तो ये तो बात होगी फिंगरप्रिंट सेंसर कितने टाइप के होते हैं और वो किस किस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। लाइक हमने देखा कैप्सटिव करता है बिजली का यूज, वहीं पर जो ऑप्टिकल है वो लाइट का यूज करता है, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर साउंड वेव का यूज करता है, बस पानी का यूज करना रह गया है कुछ भी। अब ये जो डेटा है एनालॉग में होता है, जो कंप्यूटर हमारा वो डिजिटल लैंग्वेज समझता है भाई 0-1 की, तो पहले से डिजिटली कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद SoC में एक अलग से पार्टीशन होता है, उसके अंदर इसे सेव किया जाता है। अब अलग अलग SoC मैन्युफैक्चरर इसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं पार्टीशन को, कुछ ट्रस्ट जोन बोलते हैं, एप्पल बोलते हैं सिक्योर एनक्लेव, और इस पार्टीशन को कोई भी हार्डवेयर एक्सेस नहीं कर सकता। और जितना भी हमारा डेटा होता है ना फिंगरप्रिंट सेंसर का या फेस आईडी का, वो कंप्लीटली सेफ रहता है स्मार्टफोन के अंदर। तो यहाँ पर आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, हमने यहाँ पर आपको टाइप बता दिए। और भाई ऐसी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स के अंदर। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें भी अगर मत जाना, माता रानी का पाप लगेगा। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैगा इस वो करे टू वॉच योर हार्ट फील स्टेडियम विद द HFBN बॉक्स गाइस।